आपके पास होगी। 14 रन बटोरते हैं डडो रेंजर्स की टीम को। फैसलदार गोहरले के बीच मैदान में, लेकिन गोहरले के इसमें स्ट्राइक लेने की तैयारी कर रहे हैं और लगातार बातचीत, फील्डिंग में परिवर्तन, सब कुछ यहाँ देखने को मिल रहा है। फाइनल बॉल, फाइनल फर्स्ट बॉल, बॉल नंबर 20 आउटसाइड एज, आउटसाइड एज, रेस इज अबाउट टू थर्ड मैन, देयर इज अ मोहम्मद उमर, फर्स्ट बॉल सिंगल, मैच इन नीडेड, फाइव बॉल्स, 13 चाहिए और अभी भी 5 के दुकान है बाकी। धन्यवाद सभी स्पॉन्सर्स का हमारे साथ समर्थन देने के लिए। साबित करने का मौका मिला या मंजूर पांडो को, पांडो एक बार फिर इस ओवर में दूसरी मरतबा और गेंद करिए दायात के बैट्समैन को। के पाले में जाएगा क्या सुल्तान के खाते में जाएगा, और ऐसे में तीसरी गेंद लेकर के तैयार मंसूर पांडो फील्डिंग में परिवर्तन करते हुए, और निराशा जरूर क्योंकि इस छक्के से कहीं ना कहीं आत्मविश्वास फैसलदार डडो रेंजर्स का लौटता हुआ। और दर्शक सारे अब खड़े होकर इस बड़े फाइनल मुकाबले का, इन अंतिम लम्हों का मजा ले रहे। इस ओवर में अगली मरतबा हालांकि उन्होंने गेंद पीछे खिलाड़ी एक रन पूरा किया और दूसरे रन के लिए आ रहे, बड़े इत्मीनान के साथ दूसरा रन पूरा कर दिया दोनों बैट्समैन ने। जहां 6 गेंदों में 14 रन दरकार थे, पहली गेंद सिंगल के साथ, इसके बाद दूसरी गेंद पर छक्का, अब जाकर यार 2 रन और टीम के खाते में। क्या सुपर ओवर होगा, क्या यहाँ मुकाबला डडू के पक्ष में जाएगा, क्या सुल्तान के पक्ष में जाएगा? 2 गेंदें बची है, 3 रनों की आवश्यकता है इस मुकाबले को जीतने के लिए। हौसले होते हैं एक दिन उन्हीं के पीछे काफले होते हैं। कर दिखाया मंसूर पांडो ने, क्यों वो पांडो के नाम से मशहूर है, क्यों वो आईपीएल में अपना स्थान पक्का कर चुके थे, अनुभव काम लाया, अंततः विकेट चटकाया और सुल्तान को विजय बनाया।